हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उबैस आलम, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 2 का जो शेड्यूल है वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। क्या क्या डेट्स हैं वो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दूंगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट upayushcounseling.upsdc.gov.in। यहाँ पर जब आप आएंगे तो अभी तक आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन शेड्यूल से रिलेटेड नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो डेट्स हैं वो ऑफिशियली अनाउंस्ड कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन इसका बन गया है लेकिन अभी वेबसाइट पर ऑफिशियली अपलोड नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड है कल शाम तक अपलोड हो जाएगा। अभी जो नोटिफिकेशन आया उसकी डेट्स क्या क्या आई हैं वो जितने भी न्यूज़पेपर हैं सभी न्यूज़पेपर में आ गया है। जैसा आपको पता होगा, कोई भी काउंसलिंग की अथॉरिटी या कोई भी मिनिस्ट्री की तरफ से अगर कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो उसको पहले वाइड पब्लिकेशन के लिए न्यूज़पेपर में निकाला जाता है। तो वही शेड्यूल जो है सेकंड राउंड का वो न्यूज़पेपर में निकाल दिया गया है। उसकी क्या क्या डेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपके सामने ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, यहाँ पर आपको क्वालिटी भी थोड़ी ब्लर दिख रही होगी। हालाँकि कार्यालय निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश, इंदिरा भवन, 8वां तल, अशोक मार्ग, लखनऊ। मतलब जो इसका नोटिफिकेशन इनकी तरफ से भेजा गया है और ये न्यूज़पेपर में है, तो कोई भी फेक न्यूज़ तो यहाँ पर अखबार में ऐसे नहीं दी जाती है जब तक कोई ऑफिशियल अथॉरिटी उसको ना भेजे। तो ये जो डेट्स हैं, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि जो सेकंड राउंड है वो 28 के बाद ही शुरू होगा और नोटिफिकेशन के लिए मैंने बताया था 1-2 दिन में एक्सपेक्टेड है आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो डेट्स हैं आ गई हैं सेकंड राउंड की। अगर ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि यानी रजिस्ट्रेशन और जो आप अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करेंगे उनकी डेट्स की बात की जाए तो 3 अक्टूबर 2023 11:00 बजे, यानी 3 अक्टूबर को आप 11 बजे से अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे। कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस? 5 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किन स्टूडेंट को करना होगा? जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। अब जो पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो यहाँ से अपना लॉगिन करेंगे। और यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रह गई जिसकी वजह से वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो वो लॉगिन करेंगे अपनी आईडी से और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पहले अपलोड किए थे उनकी जगह पर अपने नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जो पहले कुछ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे कैटेगरी वगैरह का, वो सब यहाँ पर अपलोड करेंगे। और जो लोग पहले कर चुके हैं उनको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको चॉइस फिलिंग करनी होगी। धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि यानी सिक्योरिटी मनी आप जो जमा करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 20,000 और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 50,000, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कर दिया था उनको करने की जरूरत नहीं है। दिनांक 3 अक्टूबर 2023 11 बजे से लेकर 6 अक्टूबर 2023 12 बजे तक दोपहर को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रही डेट्स। फिर उसके बाद अगला आता है ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, यानी अपने आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन की अगर डेट्स की बात की जाए तो 4 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2023 के बीच में आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन सिर्फ करके छोड़ देना, आपके पास मेल आ जाएगा जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत रहती है तो आपको मेल करके बताएंगे कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अपलोड कर दें, आप उनको दोबारा अपलोड कर देंगे। जो लोग भी यूपी के अंदर नए स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यूपी के काउंसलिंग के रूल्स के बारे में उनको नहीं पता है, तो जैसे मैंने पहले ही आपको रूल्स वाली वीडियो में बता दिया था कि यूपी के अंदर फ्री एग्जिट नहीं है, आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो आपको लेना होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उससे कैसे आपको बचना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी मनी बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा रूल है अगर एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा और अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा जो सॉल्यूशन है वो ये है, सबसे पहले तो आप सभी कॉलेजेस की लिस्ट बना लें जो जो कॉलेज आपको अलॉट हो सकते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी ऑल इंडिया रैंक पर। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, करियर किट का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर अपनी रैंक डालेंगे और वहाँ पर आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। फिर उस लिस्ट में से आप देखेंगे कौन कौन से कॉलेज आपको चाहिए, जो आपको चाहिए उन्हीं कॉलेजेस को आप सिर्फ चॉइस फिलिंग में डालेंगे, उसके अलावा किसी भी कॉलेज को ना डालें। इससे क्या होगा कि जो कॉलेज आप चाहते हैं वही मिलेगा और फिर उसमें आप एडमिशन ले लेंगे। और अगर रैंडमली आपने कोई भी कॉलेज डाल दिया फिर आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको जो सिक्योरिटी मनी है उसका लॉस हो जाएगा। प्राइवेट के लिए कर रहे हैं तो 50,000 तक का नुकसान हो सकता है और गवर्नमेंट के लिए 20,000 का, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट रहता है। तो इसके बचने के लिए आप क्या करेंगे, करियर किक के ऑफिशियल कॉलेज प्रेडिक्टर ऐप को डाउनलोड करेंगे जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पर कोई भी आपको अमाउंट नहीं देना है। यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के लिए भी आप कॉलेज का प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपने मार्क्स, अपनी ऑल इंडिया रैंक और अपनी कैटेगरी के हिसाब से। और
फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्शन करेंगे यहाँ पर, और ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा 85% के लिए भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर यूपी कोटा के लिए आप कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से भी कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और अगर ऐप को चलाने में कोई भी दिक्कत आती है तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिए, आप टीम से बात करके जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करा सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत ऐप को चलाने में आए तब भी उसको सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपनी ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। उसके लिए मैं आपको ऐप पर ले जाकर बता देता हूँ। तो जब आप करियर के का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप साइनअप करेंगे। साइनअप के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पर होम पर आपको सबसे पहले अलग अलग जो अपडेट हैं काउंसलिंग से रिलेटेड आती हुई दिखेंगी, वो चाहे ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड हो, स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कोई भी नया नोटिफिकेशन हो, अपडेट हो, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही दूसरा ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा कॉलेजेस से रिलेटेड। तो जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी अपडेट, उनकी इन्फॉर्मेशन सब यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और सबसे यूनिक जो अच्छा फीचर यहाँ पर है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी है, वो है प्रेडिक्शन का। तो आप अपने कॉलेज का प्रेडिक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे MBBS, BDS या BSc नर्सिंग काउंसलिंग के लिए, या फिर यहाँ पर फॉर एग्जांपल आयुष काउंसलिंग के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स किस तरह डालेंगे, अभी आप यूपी कोटा के लिए देखना चाहते हैं तो आयुष यूपी उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, फिर ईयर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 2022 का भी डेटा है, उसके हिसाब से आप देखेंगे। फिर अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे किसके लिए आप देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल BAMS के लिए। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सभी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये डालने के बाद अपनी कैटेगरी कोटा डालेंगे तो उसके हिसाब से मिल जाएगा, या फिर सिर्फ आप डायरेक्ट यहाँ पर अपनी ऑल इंडिया रैंक डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं 55,000 अपनी ऑल इंडिया रैंक डालता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो यहाँ पर लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जितने भी कॉलेजेस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सभी कॉलेजेस की, जितने भी आपकी रैंक पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैटेगरी नहीं डाली थी, तो बाकी जो अनरिजर्व के अलावा कैटेगरी है उनसे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर SC के थ्रू देख गया, तो आप जब अपनी कैटेगरी यहाँ पर डाल देंगे तो सिर्फ आपकी कैटेगरी से जो कॉलेज मिलेंगे वो मिल जाएंगे, देख जाएंगे, और यहाँ पर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सभी कॉलेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को डालें, पहले यहाँ से देख लेंगे कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, और फिर उसके बाद उन कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन लेकर फिर उनको चॉइस फिलिंग में डालें, इससे आपकी सिक्योरिटी मनी बच जाएगी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो अगला स्टेप है वो है आपका स्टेट मेरिट लिस्ट का। तो स्टेट मेरिट लिस्ट आपकी 7 अक्टूबर को 2 बजे के बाद आ जाएगी। हालांकि पिछली बार भी काफ़ी लेट आई थी, शाम में आई थी, तो यहाँ पर फिर से आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा डिले तो रहेगा इसमें आने में। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है आपकी शुरू हो जाएगी 7 अक्टूबर से लेकर और 9 अक्टूबर को शाम को 6 बजे तक आप जो है अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अंतिम सीट आवंटन सूची यानी आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है, मतलब उसमें PDF आ जाएगी, पता लग जाएगा आपको अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा तब उस केस में, तो वो आ जाएगी 10 अक्टूबर को 5:30 बजे तक एक्सपेक्टेड है। इसके हालांकि थोड़ी देर बाद ही आएगी, जैसे पिछली बार भी हुआ था, थोड़ा डिले ही आएगा। नोडल सेंटर फिर जिन जिन स्टूडेंट को भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरीफिकेशन के लिए, क्योंकि ऊपर जो हुआ था वो कैसा हुआ था, ऑनलाइन वेरीफिकेशन, अब फिजिकल वेरीफिकेशन जो है जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया है उनको कराना होगा। कब से लेकर कराएंगे, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर कहाँ पर होगा, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में होगा। उसके बाद आप अपना आवंटन पत्र डाउनलोड करेंगे, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। एक बार अगर आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, फिर आपको कॉलेज लेना कंपलसरी हो जाता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, वरना आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। फिर उसके बाद आप अपने अलॉटेड कॉलेज में प्रवेश अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति फॉर्म भरने की तिथि, मतलब इसके बाद अपना अपग्रेडेशन आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन ही, जैसे पिछली बार भी मैंने बता दिया था, फिर से आएगा तो बता देंगे उस टाइम पर। 14 अक्टूबर 2023 को 12 बजे से आप कर सकते हैं अपग्रेडेशन। परिणाम घोषित की तिथि यानी आपको अगर अपग्रेडेशन के बाद जो है कोई कॉलेज मिलता है तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 14 अक्टूबर को 3 बजे के बाद, ठीक है। नोडल सेंटर पर जिन जो नए स्टूडेंट हैं, मतलब जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला था, पहली बार मिला होगा अपग्रेडेशन के बाद, उन स्टूडेंट को जाकर अपना वेरिफिकेशन 16 और 17 अक्टूबर को कराना है। फिर उसके बाद उनको जाकर अपना एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी करनी है 18 अक्टूबर को 5:30 बजे तक अपनी प्रोसेस पूरी कर लेनी है। बाकी इसमें नीचे जो है वही रूल्स दिए गए हैं, कितनी आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, 2,000 रुपये, सिक्योरिटी मनी वही जो आपको बताया गया था, और रीशफलिंग के रूल, ये सब पे मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उन सारी वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है उस सबको भी आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर प्योरली क्लीन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिख रही होगी, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।